अभी हम लोग हैं दिवारा में, ये दिवारा क्षेत्र है जहाँ पर 2-4 महीने पहले बाढ़ आई हुई थी, जहाँ पर नाय चल रही थी। ये है हाजीपुर और यहाँ पर एक नदी देख रहे हैं, पानी बह रहा है यहाँ पर, और वहाँ पर आप दिखाइए किस तरह से घर गिरा हुआ है इस पानी में कट करके। ये पुल जो है कि यहाँ पर देखिए पूरा टूट गया था, इसको लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने पैसा देकर पटवाया है। कैसे पटवाया? चंदा लगा करके, बाढ़ पीड़ित चंदा लगा करके पटवाया गया। क्या नाम हुआ आपका? जगरोपन यादव। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि जब बाढ़ आई हुई थी तो क्या कंडीशन थी यहाँ की? अरे कंडीशन सर यहाँ एकदम खतरे से खाली नहीं था, इस रास्ते कोई आना जाना दुर्लभ था, कोई आ जा नहीं पाता था। ये बाढ़ हटने के बाद भी आने जाने लायक रास्ता नहीं थी। प्रशासन को हम लोग देखने के बावजूद बाढ़ पीड़ित के लोग, बाजार के लोग चंदा लगा करके इसको पटवाए हैं। प्रशासन कहा गया, प्रशासन यहाँ के जो विधायक वगैरह ये लोग नहीं पटवा, कोई नहीं, किसी का नहीं पता चला। हाँ चंदा लगा करके यहाँ जनता द्वारा पटवाया गया है, प्रशासन का कोई आदमी नहीं इस पर इसको पटवाया। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर एचएन सिंह पटेल। उनसे आप लोगों ने कहा नहीं कि आप लोग? कहे थे हम लोग, लेकिन वो यहाँ पर देखने भी नहीं आए। जी यहाँ के बाढ़ की स्थिति हमेशा से रहती है, यहाँ पर जब से लोग सुन रहे हैं तब से एक देवारा जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जब भी यहाँ से कोई विधायक या नेता बनता है, सांसद बनता है, तो उसका एक एजेंडा रहता है कि हम देवारा को बाढ़ मुक्त करने का प्रयास करेंगे। अगर बाढ़ मुक्त करना हो यहाँ से तो क्या क्या करना पड़ेगा? ये गढ़वल से दोहरी घाट तक एक कंक्रीट बांध बना दें, मोगला गोड़ा बांध के समानांतर बाढ़ मुक्त हो जाएगा। इसी को लेकर के हम लोग आज 64 दिन से धरना दे रहे हैं। अच्छा, जो महुला गढ़वल का बांध है जो वहाँ से दोहरी से जाता है, वहाँ से गढ़वल से महुला जाता है, उसको आप लोग चाह रहे हैं कंक्रीट, उसके पर्लड एक कंक्रीट का बांध बने बाहर एरिया, उसी के समानांतर में नदी किनारे हम लोग चाहते हैं बांध। नदी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, हम लोग चाहे नदी के किनारे बांध बने जी, ताकि इधर तक पानी ना आ सके, इधर पानी ना आ सके, बाढ़ मुक्त हो जाए। मतलब कि वहाँ उधर के आसपास में उधर का एरिया जो है वो लोग चाहते हैं कि एक रिंग बांध बनाया जाए नदी के किनारे के, नदी के किनारा 1 किलोमीटर लगभग छोड़ करके एक बांध बनाया जाए, आप लोग चाहते हैं। तो इसके लिए अपने जो यहाँ पे नेता आते हैं, यहाँ से सांसद तो निरहुआ जी होंगे जो आते हैं, ऐसे लोग तो नेता विधायक लोग तो आप लोग बात करते हैं कि ऐसा कुछ करिए? निरहु का कहना है कि अभी तो हम बहुत जल्दी में एमपी हुए हैं, इसके पहले सपा सरकार थी, क्योंकि 2013 में हमारे संगठन का स्थापना हुई है, तो कहते हैं कि सपा के शासन था और सपा के एमपी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, हम प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ का विधायक जैन पटेल वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार होती तो हम कुछ करते। अच्छा, उनका यही जवाब है। बताइए ये जो है कि जब से हमको लगता है सृष्टि की शुरुआत होगी, नदियों का आधार हुआ होगा, तब से यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आजादी को अभी 75 साल हो गए। हाँ, लेकिन ये बहुरा गौर बांध यह 50 शुरुआत हुआ और 55 बन के तैयार हुआ, नहीं तो यह बाढ़ सरदहा तक, महाराजगंज तक यह बाढ़ जाती थी। तो जब से यह बांध बन गया गढ़वल से महुला तक, तब से उधर के लोग सुरक्षित हो गए और इधर के 134 गांव ये बाढ़ प्रभावित हैं, और हर साल कुछ न कोई गांव कटते रहते हैं। 134 गांव थे और आज के डेट में मात्र 34 गांव रह गए हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जो अभी बाढ़ के पीड़ित होते हैं, बाढ़ पीड़ित में है। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि ये 3-4 घर हैं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो पड़े हैं, ये इसी बाढ़ में हुए हैं। इसी बाढ़ में हुए हैं। इसी बाढ़ में ध्वस्त हुआ है सर। अच्छा, ये पानी पहले भी इधर से जाता था कि इस बार कटा हुआ है? पानी पहले जाता था, लेकिन पानी हल्के में जाता था, और जब ये रोड जो बन रहा है, तो रोड के बनने से बाढ़ का पानी रुकावट हुआ है, तो एक तेजी से पानी आया है, इस पानी के आने से कटा है। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि ये जो बांध पूरा सड़क बन रहा है, तो इसी को बांध के रूप में अगर कर देते हैं, यहाँ पे पुलिया ना बना कर किसको पैक कर देते हैं, तो यहाँ पानी कटाव बंद हो जाएगा? नहीं, इसको पैक ना करें, इसमें और पुलिया बना दें ताकि पानी आसानी से निकल जाए बाढ़ का। अच्छा, इधर में और पुलिया बना है, वहीं पे पुलिया मांग रहा है, पुल मांग रहा है, इसके जगह 2-3 और बना दे पुल, तो पानी आराम से निकल जाएगा, तब ये खतरा टल जाएगा।
वरना जो है कि तो पूरा बाजार ही चली जाएगा। 750 घर अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ 750 घर हाजीपुर और भदौरा अगली साल के बाद फिर देखने लायक नहीं रहेगा। हम लोग पिछले साल 44 दिन इस धरने पर बैठे थे इसी समस्या को लेकर के, लेकिन प्रशासन वाले नहीं सुने। मैंने चैलेंज किया था कि अगर आप लोग इसको नहीं देखेंगे तो अगली साल यहाँ बहुत बड़ी बुराई होगी, जो कि सामने आ गया। और हम लोग बाढ़ के टाइम में धरने पर बैठे थे वहाँ, तो मैक मिश्रा नायब तहसीलदार आए थे, चक्का जाम हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कह रहे थे, हम लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन अब इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन कह करके गए, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। और हम लोग 27 नवंबर से लगातार इस समस्या को लेकर के मानिकपुर बंधे पर बाढ़ पीड़ित कार्यालय पर अनिश्चितकालीन समस्या समाधान तक धरना दे रहे हैं, और प्रशासन का कोई भी कर्मचारी अधिकारी समस्या का सुध लेने आज तक नहीं आया। आप मौके पर आए, यहाँ की दयनीय दशा देख लिया जाए, यहाँ के अधिकारियों को यहाँ की दशा दिखाई नहीं देती है। और अपना बैठ करके जिले से और तहसील से वो लोग रिपोर्ट लेते हैं, मौके पर कोई आकर के इसके लिए कार्रवाई नहीं करता। अगर जिला का प्रतिनिधि, तहसील का प्रतिनिधि इस पर लिख करके प्रशासन को, शासन पर को लिखित देता, कार्रवाई के लिए उनको बुलाता, तो शासन के लोग इस पर निगाह डालते। लेकिन हमारे प्रशासन के जो जिला और तहसील प्रशासन है, मूक दर्शक बन करके जिला और तहसील पर बैठा है, इस समस्या से उसको कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, यह मकान, ये करोड़ों की मकाने हैं, ये ध्वस्त हो गई, 1,20,000 रुपया केवल लोगों को मिला है। और इधर जो बाढ़ आई थी, जितने बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, सबके घर में 3-4 फुट पानी घुसा था, भूसा और गल्ला सब नष्ट हो गया, कितने घर गिर गए हैं, लेकिन हमारा तहसील प्रशासन इसका कोई सुध नहीं ले रहा है। और इन्हीं समस्या को लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हैं, और हम लोगों की मांग है कि सरकार कमहरिया से दोहरी घाट तक नदी घाघरा के सरजू के दोनों तरफ से कंक्रीट का बांध बनाते हुए, उसकी गहराई कर 1 किलोमीटर की दूरी में गहराई करते हुए दोनों तरफ से कंक्रीट का बांध बना दे, ताकि बाढ़ और कटान की समस्या हल हो जाए। और उसके बाद गढ़वल से दोहरी घाट तक इस बंधे को जोड़ने के लिए जितने बाढ़ पीड़ित गांव हैं, सभी जो है पुल पुलिया ध्वस्त हो गए हैं, उनको तत्काल बनाया जाए। लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बन करके बैठा हुआ। लोग कहते हैं, पहले तो लोग कहते थे कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार सुनती नहीं है, लेकिन आज के समय में डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से तबाही मचाई है। और हम लोग 2013 में संगठन बनाए, और 14 से इनकी सरकार है, 14 से जो सरकारें हैं केवल अपने मन की बात करते हैं, सरकार जो है जनता की मन की बात, जनता की समस्या से कोई लेना देना, क्यों अपनी मन की बात करते हैं। और देख लिया जा, हमारे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में 2013 से इतनी दयनीय दशा हो गई है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन मजबूरी हम लोगों की जन्मभूमि है। यहाँ 150 घर है, देखिए जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ से 9 किलोमीटर गोरखपुर जिला है, 6.5 किलोमीटर कि 90 किलोमीटर 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर उत्तर साइड, यहाँ से सीधा 9 किलोमीटर की चौड़ाई है हम लोग जहाँ है, और पूरा पशु 45 किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्र का जो आबादी है, जो ज़मीनें हैं, ये हर साल नष्ट होती हैं। और इसी को लेकर के हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इसका स्थायी समाधान करे, लेकिन सरकारें तो अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी के चक्कर में पड़ी हैं, ये जनता की बात कौन सुनता है। बताइए, सही कहा इन्होंने कि छोटी सी एरिया है, पूरा भारत इनका है, और एक छोटी सी एरिया है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, इन्होंने एक सीमा बताई 48 किलोमीटर। हाँ, 48 किलोमीटर तक माँ के मात्र एक बंधे बनाने की जरूरत है, और गंगा घाघरा नदी को थोड़ा सा गहरा करने की भी मांग कर रहे हैं, गहरा करने की मांग कर रहे हैं, ताकि जो बरसात का पानी आता है, जब बरसात का पानी उफान पे आता है तो वो उसी में समा करके रह जाए, बाहर के जो एरिया उसको प्रभावित न करे, अगर थोड़ा सा ऊपर आता है तो बंधा उसको रोक ले, कंट्रोल कर ले। तो बस हम लोग हैं आज दीवारा में, और आए हुए थे ये लोग, हमको आजमगढ़ में मिले थे जब ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज इन लोगों का आंदोलन का 65वां दिन है 64 दिनों से लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं कि हमारी जो जमीनें, जो हमारी फसलें नष्ट हो गई थी, धान की फसल नष्ट हो गई थी, और घर में जो अनाज भूसा पानी था वो सारी चीजें नष्ट हो गई है, तो उसका थोड़ा सा, मकान भी नष्ट हो गया है, तो उसका थोड़ा सा मुआवजा दिया जाए।
ये रही हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग भूखे मरने को तैयार है, भूखे मरने के लिए विवश है, और इनकी फसलें जो है अभी गेहूँ की छोटी छोटी है, वो खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूख इनकी बढ़ती जा रही है। सरकार इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। आप लोग जरूर शेयर करिए ताकि किसी भी सरकारी कर्मचारी तक पहुँच सके और कोई भी आकर के इन लोग की सुध ले सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।